अभी इन जातिका का हाथ हम अगर देखें तो इसमें रेखाएं क्या इशारा करती हैं, क्या कह रही हैं, ये विश्लेषण अभी हम आपके सामने रख रहे हैं। और इसमें हम सबसे पहले हाथ की बनावट देखते हैं। तो हाथ की बनावट जो है चौकोर है, और चौकोर के साथ इसमें संतुलित उंगलियां हैं। तो एक कलाकार इसमें जो है स्थापित होता है ऐसे हाथ में, और आपके अंदर निश्चित तौर पर एक एक न एक कोई कला होती है। तो ये हाथ की सबसे पहले बनावट के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं इसमें पर्वतों की। तो इसमें आपका गुरु पर्वत ठीक है, शनि पर्वत ठीक है, सूर्य पर्वत मध्यम है, और बुध पर्वत थोड़ा सा निम्न है। ऐसी स्थिति में आपके व्यवसाय की स्थितियां जो है अनुकूल नहीं होती हैं। बात करें हम मंगल की, तो मंगल ठीक है, चंद्रमा कुछ हद तक ठीक माना जाएगा, पर बहुत अच्छा नहीं है, मध्यम है। शुक्र अच्छा है आपका। तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक स्थितियां कुछ हद तक अनुकूल हैं। बाकी जो बुध पर्वत के कारण जो विवाह रेखा का विश्लेषण यहाँ पे जो आता है, तो वो थोड़ा सा विलंब का इशारा कर रहा है विवाह के संबंध में। तो ये तो विवाह रेखा के विषय में बात हो गई। अब हम सबसे पहले वहीं से बात करते हैं। तो हृदय रेखा की बात करें तो आपकी हृदय रेखा जो है दो मुखी है, एक गुरु पर्वत की ओर जाती है और एक आपकी जो है मस्तिष्क रेखा की तरफ जो है झुक रही है। ऐसी स्थिति में आपके अंदर जो है दो बातें आती हैं। एक तो ये है कि आप जो सोचते हैं वो करते हैं, और दूसरी बात यह है कि आप दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं दिल की वजह, तो ये हो जाती है इसमें। और थोड़ा सा अगर हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करें तो वो आपका नरम गरम होगा, कभी कभार जो है अस्वस्थता के इसमें लक्षण दिख रहे हैं। वैसे एक जो हृदय रेखा में दो छोरों के जो मुहाने पर इसमें त्रिभुज बन रहा है, वो निश्चित तौर पर आपके विकास को रोकेगा। तो ये भविष्य की बातें हैं। अभी हम बात करें मस्तिष्क रेखा की, तो मस्तिष्क रेखा आयु रेखा से बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में आप जो है परंपरा को तोड़ने की हिमाकत कर सकते हैं, या यूं कहें कि आप परंपराओं को तोड़ने की हिम्मत रखते हैं, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। और इसमें अगर हम देखें तो आप मानसिक स्तर आपका सामान्य है, बहुत ज़्यादा जो है आपके मस्तिष्क में ठहराव नहीं है, मन अस्थिर रहता है, और यही वजह है कि आप व्यर्थ की चिंताओं में व्यस्त रहते हैं। तो ये मानसिक स्थिति होती है। और हम बात करें आयु की, तो आयु की जहाँ तक बात करें तो अनुमानित ये आपकी जो है 72 ईयर्स यहाँ पे दिख रही है। और इसमें एक सपोर्टिंग रेखा है जो आपके लिए उस 72 से भी क्रॉस करा सकती है, अगर अस्वस्थता आपके पक्ष में जाती है तो ये स्थितियां बनती हैं। और इसके बाद हम बात करें अब इधर मंगल रेखा की। तो ये एक मंगल रेखा बड़ी अद्भुत है, यहाँ से जो है एक लहरदार होके जो है बुध पर्वत की ओर जाती है। ये थोड़ा सा आपके लिए नकारात्मकता देती है। तो ऐसे में बुध तो क्षीण है ही, और मंगल रेखा भी वहां पहुंच रही है, तो व्यापार व्यवसाय से दूर ही रहिएगा, ये स्थितियां रहती हैं। इसमें बेहतर ये होगा कि आपने जो है खास तौर से निजी व्यवसाय के अलावा जो है आपको कोई रोजगार करना चाहिए, और रोजगार के साथ साथ आपको जो है सरकारी रोजगार की संभावनाएं कम बनती हैं, क्योंकि आपकी कनिष्ठा भी छोटी इसमें दिख रही है। और प्लस इसमें बात करें सूर्य रेखा की, तो सूर्य रेखा की अनुकूलता तो बिल्कुल नहीं दिख रही है, क्योंकि सूर्य रेखा में आर्थिक स्थिति सामान्य दिख रही है, पर आपके अंदर जो वैचारिक
स्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है। आपके अंदर जो सोचने की शक्ति है वो अत्यंत नकारात्मक है। और दूसरी बात, आप किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, तो ये स्थितियां बनती हैं। और व्यवसाय में, नौकरियों में ये सहयोग भी नहीं करती है, क्योंकि ऐसी जो सूर्य रेखा होती है इसमें आप देखेंगे कि ये भ्रंश है, टूट रही है कहीं कहीं, और बीच में ये जो जाल बन रहा है ये बहुत अच्छा अनुकूल प्रभाव नहीं देता है। हाँ, अगर बिल्कुल चौकोर नेट होता, ये इसमें बिल्कुल बराबर से जो है चौकोर बन रहे होते तो ये अनुकूल तक देता, पर अभी ये स्थितियां जो है इसमें प्रतिकूल ही दिखती हैं। तो ये सूर्य रेखा की बात हुई। और अब हम बात करते हैं भाग्य रेखा की, शनि रेखा जिसे हम कहते हैं। तो शनि रेखा चंद्रमा से तो निकल रही है, चंद्र पर्वत से शनि रेखा निकल रही है, और वो कुछ लहरदार होके और हृदय रेखा की तरफ जो है जुड़ती हुई प्रतीत हो रही है। और ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। ये सामान्य परिवार के लक्षण होते हैं। ऐसे जातक जो है बहुत आर्थिक संबलता में पैदा नहीं होते हैं, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। और बहुत अधिक जो है इनके लिए पैतृक संपत्ति भी मिलने के आसार नहीं होते हैं, तो ऐसी रेखा। पर इसमें एक खास बात होती है, चंद्र पर्वत से निकली हुई जो शनि रेखा है इसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। तो ये इसमें डेस्टिनी जो होता है, ये नेचर का, प्रकृति का सहयोग मिलता है। तो अगर जैसे आप कोई चीज़ सोचते हैं कि हमें ये चीज़ मिलना चाहिए, हमें ये चीज़ मिल जाती, हमें ये उपलब्ध हो जाती, तो वो फिर हो जाती है थोड़ा बहुत समय लेके। तो ये चीज़ है। तो अब हम बात करें इसमें मणिबंध की, तो मणिबंध इसमें जो है आपका क्लिष्ट मणिबंध है, टूटा हुआ है, खंडित मणिबंध है, तो वो आपके लिए आलसी बना देता है, बहुत ज़्यादा जो है कर्मठता नहीं देता है। तो आपको इसमें ध्यान रखने की बात है कि आपको काम करना चाहिए, शारीरिक मेहनत करनी चाहिए, और उससे थोड़ा से चेंजेस आएंगे। ये अन्य रेखाएं बदलती रहती हैं। जो आर्थिक विपन्नता अगर है तो उसके भी आसार हैं, वो भी सुधरेगी, क्योंकि यहाँ शुक्र के क्षेत्र में देखें तो ये कुछ जो है आयत बन रहे हैं, और ये आयत जो हैं आपके लिए आने वाले समय में अच्छे धन के साधन बनाते हैं। और आपका जैसे इधर आयु रेखा में देखें तो ये आयु रेखा में एक जो त्रिकोण बन रहा है, ये निश्चित तौर पर आपको बड़ा घर जो है बनाने का अवसर देता है, या फिर बड़ा घर ही प्रदान कर देगा। तो ये स्थितियां बनती हैं आने वाले समय में। और इसमें गुरु जो है, गुरु बहुत अच्छा संकेत देता है कि आपको पढ़ाई में अगर आप इसमें अगर मेहनत करते हैं और पढ़ाई में यदि आप अपनी रुचि दिखाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए कुछ ना कुछ आप बेहतर कर पाएंगे। तो ये चीज़ एक देखने को मिलती है। और यदि आपके यहाँ इधर उच्च मंगल की तरफ देखा जाए तो ये कुछ थोड़ा सा जो रेखाएं वो अति सूक्ष्म है, इसलिए उनका ज़्यादा जो है सपोर्ट आपको मिलता नहीं है। और यहाँ पे ये ज़रूर है कुछ उच्च मंगल पे एक त्रिशूल जैसी स्थिति बनती है, तो वो कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव देगा भविष्य में, ये चीज़ देखने को मिल रही है। और इसमें आपका शुक्ल पक्ष का जो है जन्म प्रतीत होता है, तो ये भी आपके पक्ष में जाता है। और इस तरह से कुछ थोड़ा सा आपके रोगों की बात करें तो उदर रोग संबंधी जो है, पेट संबंधी विकारों की, रोगों की स्थितियां बनती हैं। और इसमें बाकी निर्णय, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपकी जो बौद्धिक क्षमता है अंगूठे से पता चलती है, अतार्किकता ज़्यादा प्रतीत होती है, क्योंकि व्यर्थ जो है आपके चिंतन रहते हैं। और
इसी वजह से जो है निर्णय की क्षमता भी जो है वो कम हो जाती है। तो बहरहाल ये स्थितियां हैं आपकी, और इसमें उंगलियों में अगर देखा जाए तो उंगलियों में जो सीधी लाइनें हैं तो ज़्यादातर जो आपके साथ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये इसमें नेट बन रहा है, आपकी मध्यमा में भी बन रहा है, इधर तर्जनी में भी बन रहा है, थोड़ा सा इधर सूर्य की रेखा में नहीं बनता है। दूसरी तरफ यदि हम देखें तो आपका सूर्य की अंगुली पर एक तिल का निशान भी है, तो ये निशान जो है ये आपके लिए कुछ सम्मान की कमी करता है, तो इस पर आपके लिए गंभीरता से सोचना चाहिए ताकि आपका मान सम्मान बचा रहे, सुरक्षित रहे। और इसके अलावा इसमें देखें हम तो मानसिक अस्थिरता तो बहुत ज़्यादा दिखती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान वगैरह करने से आपके मन को एकाग्रता मिलेगी और मन स्थिर होगा। तो ये स्थितियां हैं, बहरहाल आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें।